Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, welcome you all to the batch 2 of Flutter course. सबसे पहला जो step होता है वो installation का step है and for that मैं already बहुत सारी documentation में Google Classroom पे share कर चुका हूँ but there are some issues happening over there so that is why I thought to record a special video for Windows users ताकि जो मसले आ रहे हैं वो उसको resolve किया जा सके. सही है, अगर आप डायरेक्टली एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो एंड्रॉयड SDK सेटअप करने में है. आई डोंट नो कि आप में से किसने ट्राई किया है उसको सेटअप करने का, बट अगर अभी तक आपने कोशिश नहीं की तो वी आर हियर टू ट्राई विद दैट. तो फर्स्ट स्टेप जो है ना, जो आपने बिफोर इंस्टॉलेशन आपने मेक श्योर करना है वो ये है कि आपका जो विंडो का यूजर नेम है ना, विंडो का यूजर नेम उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए. अगर आपने देखना है कि आपका विंडो यूजर नेम क्या है तो आप जस्ट यहाँ पर आके यहाँ से अपना यूजर नेम देख सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स अकाउंट. अर्लियर हिज यूजर नेम वॉज अक्सा एंड स्पेस खान. मतलब सो मीन्स के उसके नाम में जो उसका जो यूजर नेम था ना उसमें स्पेस था, और जब आपके यूजर नेम में स्पेस होगा तो तब जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे या SDK आप सेटअप करेंगे तो उसमें बहुत सारे मसले आते हैं. उसमें कुछ असल में वो कुछ फाइल्स फिर वहाँ पे मिसिंग आ रहे होते हैं. एक्चुअली फाइल्स मौजूद होते हैं बट वो असल में ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है ना उसमें जब स्पेस आता है तो उससे आगे अक्सर जो टूल्स हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उस पाथ को वो फिर डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो इस वजह से इसमें इश्यूज आ रहे थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अगर आपका यूजर नेम है ना तो अगर आपने चेक करना है कि आपका यूजर नेम एग्जैक्टली आपने चेक करना है तो आप जस्ट सी में आ जाएं एंड सी के अंदर आप एंड उसके अंदर ये देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अक्सर. सो द प्रीवियस नेम वॉज फॉर द यूजर्स विच आई डिड इंस्टॉलेशन फॉर हर नेम वॉज शहजादी अक्सा. तो उसके नाम में स्पेस था तो स्पेस की वजह से बहुत सारे मसले आ रहे थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक नया यूज़र क्रिएट किया. उसके लिए आप सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पर एक मिनट, यूजर्स के सेटिंग में जाके आप लोग एक नया यूजर क्रिएट करें जिसके नेम में स्पेस ना हो, अगर आपके यूजर नेम में स्पेस है ऑलरेडी. सही है, तो फिर आप उस यूजर को लॉगिन करें. सही, उस यूजर को आप लॉगिन करें एंड वहां पर अपने सिस्टम को सेटअप करें. सही, एक ऑप्शन आपके पास ये है. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप विंडो दोबारा से अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट रिकमेंडेड. जो रिकमेंडेड स्टेप है ना अभी वो ये है कि आप एक नया यूजर क्रिएट करें. सही है, और उस यूजर में जाके आप अपनी इंस्टॉलेशन करें. सही है, तो राइट नाउ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये शहजादी अक्सा था तो मैंने उसका चेंज करके एक नया यूजर बना दिया है अक्सा. सही है, और मैं उसी यूजर में यहाँ पर लॉग इन हूँ. सो दिस इज हाउ ये जो फर्स्ट इशू है आपने इसको इस तरह रिजॉल्व करना है कि आपका जो यूजर नेम है उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए. अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं तो उसमें जस्ट आप क्या करें, उसमें आप अंडरस्कोर डाल दें तो तब भी वो काम करेगा. सही है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस यूजर नेम को मैं यहाँ से एडिट कर दूंगा तो ये सी में जो यूजर नेम होते हैं ये एडिटेबल नहीं होते, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं. सही है, रीनेम करेंगे तो बहुत सारे फिर मसले आ जाएंगे, तो आपने इसको रीनेम नहीं करना क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी. ये देखें ये प्रोटेक्टेड है तो इसको आप चेंज ना करें. आप ये करें, एक नया यूजर क्रिएट कर दें और वहाँ पर आप एज अ न्यू यूजर लॉग इन हो जाएं. सो दिस इज हाउ इट शुड वर्क. अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप नाम सेटअप करते हैं प्रॉपर आपका जो यूजर नेम है जिसमें स्पेसिंग ना हो तो तब आपको इशू नहीं आएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप है, ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये मसला ना हो आपके साथ. एंड इसके बाद ये है कि आप लोगों ने आप लोग जस्ट फ्लटर इंस्टॉल लेते हैं, ये लिंक ऑलरेडी मैं मेंशन भी कर चुका हूँ अपने वो पोस्ट में. फ्लटर इंस्टॉल अगर आप विंडोज सेटअप है तो विंडोज में आ जाएं एंड यहाँ से आप लोग ये जो zip फाइल है ना ये आप डाउनलोड कर दें. सही है, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में ये होगा. ये देखें. सही है,
इसका फिर आप लोग ये करें कि इसको आप लोग अनसेव कर लो, यहाँ पर यही पर एक्सट्रैक्ट करते हैं, या अगर आप किसी खास डायरेक्टरी में आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है, पहले मैं यहीं पे एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद देखते हैं कि इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट, सो जब ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए यहाँ पर, तो ओके लेट इट एक्सट्रैक्ट फर्स्ट। ओके सो फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है यहाँ पर, ये देखें, एंड यहाँ से आप फ्लटर की जो डायरेक्टरी है ना, फ्लटर, इसको आप लोग कॉपी करें, यहाँ से कॉपी करें, एंड आप लोगों ने यहाँ पर सी फोल्डर, सी में आकर आपका जो यूज़र है, सॉरी बस आप सी में आके यहाँ पे एक फोल्डर बना दें सोर्स के नाम से। ये देखें, मैंने SRC के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। मैं ऑलरेडी, ये देखें, ऑलरेडी मैं पेस्ट कर चुका हूँ यहाँ पर, तो ये सोर्स डायरेक्टरी में आकर आप लोग इसको पेस्ट कर दें, सही है, आप इसको यहाँ पर पेस्ट करें, सही है। उसके बाद यहाँ पर फ्लटर स्लैश में आकर ये जो URL है, ये जो लिंक है डायरेक्टरी का, इसको आप कॉपी करें, एंड कॉपी करने के बाद आप CMD में आते हैं, सॉरी CMD में नहीं, आप इन्वायरमेंट वेरिएबल इसका सेटअप करेंगे फिर, तो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आ जाएं, यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, एंड आपका जो पाथ वेरिएबल है, पाथ, उसको आप एडिट करें, एंड उसमें आप लोग ये देखेंगे मैं ऑलरेडी एक ऐड कर चुका हूँ, सही है। लेट्स आप लोग न्यू करके इसको आप यहाँ पे पेस्ट करें, एंड ओके कर दें, उसके बाद तो ये आपका ऐड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी एक बार ऐड कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा से इसको ऐड नहीं करता, तो मैंने कैंसिल कर दिया, सही है। इसके बाद आप लोगों ने जस्ट इसका ये पाथ जो है ना, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके ऐड कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग अगर ओपन करते हैं पावर शेल, ओपन करते हैं, या आप लोग कमांड लाइन CMD ओपन करते हैं, दोनों कर सकते हैं, CMD जिसके साथ आप लोग ज़्यादा फिजिबल हो उसी में आप लोग इसको रन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जस्ट लिखें फ्लटर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो फ्लटर SDK है वो प्रॉपर सेटअप हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका फ्लटर SDK प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ और आपने एनवायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं किया, तो ये कमांड रन नहीं होगा, सही है। ये आपको बताएगा कि ये जो फ्लटर है, ये कमांड अनेबल टू फाइंड फ्लटर, सही है। ये देखें, अगर आप वहाँ पे रन करते हैं CMD में, एंड यहाँ पर रन करते हैं, तो दोनों में आपका ये सेटअप चलेगा। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप रन करें फ्लटर डॉक्टर। फ्लटर डॉक्टर क्या करता है? फ्लटर डॉक्टर जो है ना, आपको बताता है कि आपका सिस्टम किस हद तक सेटअप हुआ है फ्लटर को रन करने के लिए, एंड क्या क्या चीज़ें अभी मिसिंग है इसमें, तो ये भी आपको बता देगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना, और उसी के साथ एंड्रॉयड SDK इंस्टॉल करना, सही है। अब ये देखें, ये क्या है कि फ्लटर का टूल चेन भी है, एंड्रॉयड SDK भी इंस्टॉल्ड है, मतलब ये SDK का वर्जन भी, SDK भी इंस्टॉल्ड है और एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल्ड है। एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं, VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप VS कोड यूज़ करते हैं, तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करें, उसमें ये जो SDK का अपना है वो में करना होता है, सही है। अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं की, एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पर आ जाएं आप लोग, इंस्टॉल में, एंड यहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर दें, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड यहाँ से आप एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर दें, सही है। आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन के आगे कितने स्टेप्स है ना, उसको आप नॉर्मली फॉलो करना है। यहाँ पर जो स्टेप्स गिवन है, मतलब सेम एग्जैक्टली, उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है ना, वो आपका जो ये जो यूजर नेम का पाथ है ना, उसमें मसला आता है, सही है। तो उसका जो उसकी उसकी जो इंस्टॉलेशन की डायरेक्टरी है ना, उसको आप बाय डिफॉल्ट रखते हैं, जिस जिस डायरेक्टरी में उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, उसी के अंदर एंड्रॉयड के किसी फोल्डर में जाके उसको इंस्टॉल करें, तो उसको आप उसी तरह रखते हैं, सही है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो जैसे ही इंस्टॉल होगा और आप उसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे ना, तो उसके बाद आगे जाके वो ऑटोमेटिकली कुछ डाउनलोडिंग करेगा, सही है। तो आप डाउनलोडिंग पे उसको लगा दें कि वो डाउनलोडिंग सारी कंप्लीट हो जाए स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, डाउनलोडिंग स्टेप बाय स्टेप सारी कंप्लीट हो जाए, तकरीबन वो करते हैं अराउंड 1 GB समथिंग कुछ डाउनलोडिंग और होती है, वो SDK इंस्टॉल करता है, कुछ टूल्स होते हैं वो इंस्टॉल करते हैं,
वो सारे जो है ना आप इंस्टॉलेशन पे रख दें, और आप कोशिश करें कि आप आपकी जो इंटरनेट स्पीड हो उस टाइम पे वो अच्छी खासी स्पीड हो, ताकि आपकी इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हो सके। अक्सर मसला ये होता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड कम होती है, या आपका इंटरनेट जो है ना वो स्टेबल नहीं होता, तो उसकी वजह से फिर मसले आते हैं। आपकी जो आपका जो SDK है वो प्रॉपर सेटअप नहीं होता, एंड जब फिर आप एंड्रॉइड स्टूडियो को रन करते हैं तो फिर आपको मसले आते हैं। सो जब आप प्रॉपरली एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाए, तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करें। सॉरी, यहाँ से ये एंड्रॉइड ये इसको ओपन करें। इट्स ओपनिंग नॉट, ये एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो रहा है। ओके, जब एंड्रॉइड स्टूडियो आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए एंड आप उसको ओपन करें, इसके बाद हमने कुछ प्लगइन्स इसमें इंस्टॉल करने होंगे ना। जब फर्स्ट टाइम आपका एंड्रॉइड स्टूडियो प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाए, तो आपको आपके पास ये स्क्रीन आएगा, सही है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, सही है। आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम आपको ये नज़र नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये कन्फिगर ऑप्शन में आकर यहाँ से देखें प्लगइन है, एंड प्लगइन्स में आपने सेलेक्ट करना है फ्लटर। इसमें आपने दो दो प्लगइन इंस्टॉल करने होंगे ना, एक डार्ट का प्लगइन है, डार्ट, ये देखिए जो मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ ना ऑलरेडी, ये दो प्लगइन्स आपके पास, ये मार्केट प्लेस है ना, यहाँ पे आप लोग डार्ट लिखे ना तो ये दो प्लगइन्स आपके पास आएंगे, सही है। ये देखिए मैं लिखता हूँ डार्ट, तो डार्ट का बता रहा है कि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप डार्ट के बजाय डायरेक्टली फ्लटर लिख देना, ये फ्लटर आपके पास ऑलरेडी आ रहा है। तो ये आप फ्लटर इंस्टॉल करेंगे ना यहाँ से, सर ये आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डार्ट भी बैकएंड पे खुद ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। तो ये दोनों इंस्टॉलेशन इसमें ज़रूरी है। ये इंस्टॉलेशन हो जाए जब, तो आपने अपना जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट का मतलब ये कि आप इसको प्रॉपर क्लोज करें एंड उसको दोबारा से रीस्टार्ट करें। इसको जब रीस्टार्ट करेंगे तो तब आपको फिर यहाँ पर जो जब एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन होगा, यहाँ पर आपको वो फ्लटर क्रिएट अ फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट भी नज़र आएगा, सही है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ से तो ये सारा सेटअप नज़र आ रहा है, ये जब आप प्रॉपरली एंड्रॉइड स्टूडियो आपका सेटअप नहीं होता, तो आपको ये यहाँ पर ये इश्यूज बताएगा कि करंटली ये इश्यूज है, जिस तरह ये बता रहे हैं कि ये जो येलो हाईलाइटेड है, मतलब है कि इसमें ये छोटे छोटे थोड़े से मसले हैं जो सॉल्व करने की जरूरत है। मैंने कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं की सिस्टम के साथ, तो मेरे पास डिवाइस वो नहीं हो रही। सो ये स्टेप्स हैं। एंड इसके बाद जब यहाँ पर फ्लटर फ्लटर डॉक्टर रन करेंगे ना, और आपका जो है ना एंड्रॉइड स्टूडियो प्रॉपरली सेटअप हुआ हो, तो यहाँ पर आपको ये आएगा कि ये ग्रीन चेक आपको नज़र आएगा कि ये प्रॉपरली आपकी सेटिंग्स हो चुकी है। तो ये प्रॉपर स्टेप्स हैं जिसको गो थ्रू करना ज़रूरी था आप सबके लिए। सो आई वेंट थ्रू ऑल दी स्टेप्स, आई होप सो कि चीज़ें क्लियर हैं। इसके बाद इसके साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो स्लैक चैनल इज देयर, अलॉन्ग विद डेट यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर योर इशूज़ ऑन गूगल क्लासरूम एज वेल, यू आर ऑलरेडी एट इट देयर, और उसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं, सही है। कोशिश करें मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट करने की कोशिश ना करें, बेहतर है कि आप गूगल क्लासरूम में पोस्ट करें। उससे ये होगा कि अगर किसी और के मसले चल रहे हैं तो उसके भी इश्यूज रिजॉल्व होंगे। अब ये देखें, जब आप फ्लटर प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ना, तब आपको यहाँ पर ये स्टार्ट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट यहाँ पर नज़र आएगा, सही है। अब फ्लटर प्रोजेक्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे वो बात की चीज़ें हैं, वो मैं डॉक्यूमेंटेशन में आपको बता दूंगा। वो सिंपल स्टेप्स हैं। यहाँ से आप ये फ्लटर एप्लीकेशन सेलेक्ट करें, नेक्स्ट करते हैं इसको। एंड अच्छा, एक और स्टेप इसमें है। जब आप अपना फर्स्ट फ्लटर क्रिएट करेंगे, तो आप ये देखें ये फ्लटर SDK पाथ नॉट गिवन, सही है। आपको ये मसला आएगा यहाँ पर, तो आप जस्ट यहाँ पर आके जहाँ पर हमने अपना फ्लटर SDK इंस्टॉल किया हुआ था, सोर्स में, सोर्स एंड फ्लटर, आप इसको सेलेक्ट कर दें एंड इसको ओके कर दें। ये देखें ये रिजॉल्व हो जाएगा, आपने कौन सा ये पाथ आपने डाल देना है इसमें। आप इसको राइट भी कर सकते हैं, यहाँ पर खुद लिख लें, और उसके अलावा जब आप ये पाथ ऐड करेंगे प्रॉपरली तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करें एंड ये इसको चलने की ज़रूरत नहीं है, राइट नाउ इसको फिनिश करें, तो आपका एक फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्लटर प्रोजेक्ट आपका फर्स्ट क्रिएट हो जाएगा।
सो दीज आर द इनिशियल स्टेप्स यू नीड टू गो थ्रू. एंड ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लेगा. आई थिंक इसने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है, सो दैट्स व्हाई. अच्छा, इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड लाइन टूल्स भी हैं, बट इनिशियली आप कोशिश करें कि आप यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट करें ताकि आप फ्लटर एसडीके उसमें प्रॉपर क्रिएट कर दें. सो दैट्स ऑल वी हैव. ओके, इसमें कोई छोटा सा इशू था, उसकी वजह से वो छोटा सा मसला आया है. बट एनी हाउ, दीज आर द स्टेप्स यू कैन गो थ्रू टू क्रिएट एनी टू क्रिएट योर फर्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट. एंड इसके बाद फिर हमारा जो है ना, बाकी चीज़ें हम करेंगे सेशंस में. एंड साथ साथ में कुछ टास्क है, मैं पोस्ट करूँगा. हालांकि मैं पोस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में, तो आप लोग उसको वहाँ से फॉलो करें. दैट्स ऑल. फॉर एनी क्वेश्चन यू आर मोस्ट वेलकम इन द ऑन द स्लैक चैनल प्लस इन गूगल क्लासरूम एज वेल. सी यू सून. थैंक यू.